और आप देख रहे हैं डीपी न्यूज़। डीपी न्यूज़ से मैं हूं आपका अपना साथी शुक्ल कुमार, और आज हम आए हैं हल्दौर ब्लॉक के कंभौर गांव में। यहां पर एक मकान है जो कच्चा है, और ये जानते हैं इस मकान के जो स्वामी हैं उनसे जानते हैं कि ये मकान आज तक कच्चा क्यों है, क्या कारण ऐसा है। ये क्या नाम है आपका जी? मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल नाम है आपका जी। ये बताइए, ये आपका मकान कच्चा जो है, आपने किसी से इसके बारे में कहा, ये क्यों नहीं बन पाया? ये अभी तक बन ही नहीं पाया। हमने कहा भी कई दफ़ा, प्रधान से भी कहा है और फार्म भी दिए हैं, नहीं बन पाया। तो क्या कारण मानते हैं आप जो आपका मकान आज तक नहीं बन पाया? ये आगे वो जाते नहीं, हमारे फार्म जाते होंगे तो फेल कर देते होंगे। किस वजह से नहीं जाते होंगे? क्या पता जी क्यों वजह नहीं, क्या वजह है वो तो उन्हीं को ही पता होगा। आइए इनका मकान दिखाते हैं हम कि इनका मकान अंदर से कैसा है, कच्चा है या नहीं है। देखते हैं, छप्पर पड़े हैं और छप्पर के ऊपर पन्नियाँ पड़ी हैं, और ये मकान इनका है जो आप देख रहे हैं सामने। और आइए अंदर से भी दिखा देते हैं कि इनका मकान कैसा है। यहाँ पे अंदर दिखाओ एक बार, अंदर दिखाइए। देखिए सोट पड़े हुए हैं, और सोट के ऊपर जो फंटी, छोटी छोटी लकड़ी के टुकड़े रखे हुए हैं, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हो, मिट्टी और पन्नी से इन्होंने मकान बना रखा है। तो आप देख सकते हैं आज भी यहाँ पर मकान कच्चे हैं, और इनका कहना है कि इनके मकान इसलिए कच्चे हैं क्योंकि आज तक कोई बनवा नहीं पाया, और इन्होंने कई बार फार्म भी भरे लेकिन उसके बाद भी कोई जांच आज तक नहीं हुई और मकान अभी तक कच्चे हैं। घर में कौन कौन सदस्य हैं जी? हमें 8 बहन भाई हैं। 8 भाई बहन हैं। और आपकी शादी हो चुकी है? शादी हो चुकी है, 7 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? 2। 2 बच्चे हैं जी। और ये साइड में जो एक कमरा है यहाँ पर, ये किसका है? हमारे बड़े माँ का है, अब्बा का। आपके पापा का है ये? जी पापा का। तो इनका भी कच्चा ही अभी तक? जी हाँ कच्चा ही इनका। तो ये इनके पापा जी का कमरा है इधर, और ये इनका है, एक एक कमरा इनके पास है और आज तक ये कच्चा है। इनकी आर्थिक स्थिति आप देख सकते हैं, आज तक ये अपने मकान की पक्की छत आज तक नहीं बनवा पाए। इन्होंने कई बार फार्म भी भरे हैं लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इनका मकान कच्चा है। यहाँ तक कोई जाँच अधिकारी नहीं आता है, और कोई जांच ये बोल रहे हैं कि आज तक कोई जांच नहीं हुई। जी ऐसा ही है? हाँ जी नहीं हुई। तो फार्म भरे थे आपने? हाँ फार्म भरे थे, हमारे अब्बा ने भरे थे, मैंने तो भरे नहीं थे, पता नहीं जी सर, अभी मेरा नाम ही नहीं डाला। तो बोर्ड तो होगा आपको बना? हाँ बोर्ड है मेरा, मेरी घर वाली। नाम क्यों नहीं डाला? पता नहीं, अभी भरा ही नहीं मेरा फार्म, बोल देते थे कि आ जाएगा मकान तुम्हारा। सिर्फ आश्वासन दिया जाता है इनको लेकिन मकान आज तक इनका नहीं आया। तो आपने कितनी बार प्रधान जी से कहा? मैंने तो कई दफ़ा कह दिया प्रधान जी से। इस योजना में जो प्रधान जी बने, प्रधान जी बने हैं, इनसे भी कहा है, कह रहे हैं बनवाएंगे। तो देखिए कंभौर में हमने अभी आपको ये मकान दिखाया है, बिल्कुल कच्चा है, और इनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा ही ख़राब है, और आज तक ये पक्का मकान नहीं बनवा पाए हैं। और करते क्या हैं आप वैसे? ये ई रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा चलाते हैं जी। कितना कमा लेते हो आप? ये 300-400 रुपया खर्चे। 300-400 रुपये कमा लेते हो? परिवार में 4 सदस्य हैं जी। 4 ही है ना? नहीं 2 हैं, 2 बच्चे हैं घर वाले। हाँ 4 हो गए हम। 4 सदस्य हैं और ई रिक्शा चलाकर अपना ये लालन पालन कर रहे हैं। आपको इनका मकान दिखाया, बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।